जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, आज हम लेखन पंचमी, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी और विशेष करके समाज में लाभ पंचमी के नाम से जाने जाने वाले पावन मुहूर्त के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। ये हमारे जो गुजराती भाई बंधु हैं, उन लोगों का आधिकारिक नव वर्ष प्रारंभ होता है, नया साल प्रारंभ होता है लाभ पंचम के दिन से। मुख्यतः जो व्यापारी बंधु हैं, वो 5 दिनों तक दुकान बंद रखते हैं। लाभ पंचम के दिन पुनः पूजन करके विपण व्यापार केंद्र अपना खोलते हैं और वहां से सालों साल व्यापार करते रहते हैं। तो इस दिन का जो उत्तम मुहूर्त है वो हालांकि 6:15 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और जो लगभग 10 बजे तक का है, पर उसमें भी उत्तम अगर आप देखेंगे तो 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के अंदर, 7 AM से लेकर के 9:30 AM के अंदर पूजा करना बहुत बहुत ही लाभकारी है। किसी कारण से आप विलंब भी हो जाते हैं तो 10:30 बजे के अंदर पूजा एक बार प्रारंभ कर दीजिए, अथवा किसी कारण से ये समय आपको सूट नहीं कर रहा है तो अभिजिन मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 लगभग 40 तक जो है 12:40 के अंदर 12:14 के अंदर पूजा प्रारंभ कर दीजिए। जो भी मुहूर्त किसी भी कार्य के लिए बताया जाता है उस मुहूर्त के अंदर पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए, उसमें भी जो संकल्प का कार्य है वो प्रारंभ हो जाना चाहिए। उसके बाद में कितना भी समय लगे कोई चिंता की बात नहीं है। अब पूजा किसे करनी चाहिए, तो भाई बंधु जिन लोगों ने दीपावली के दिन विधिवत गणेश जी के साथ, कुबेर जी के साथ माता महालक्ष्मी जी की पूजा किया था और उत्तर पूजन नहीं कर पाए थे अथवा दुकान बंद कर दिया गया था, तो पुनः उन लोगों को पूजा करके संक्षेप में ही सही पूजा करके आरती त्याग करके और माता जी को दक्षिणा चढ़ा करके और वहां से अपना शुभारंभ करना चाहिए। नए बही खाता से, बही खाता का भी पूजन होता है लेखनी के साथ में। अगर जिन लोगों ने कई कारणों से दीपावली के दिन पूजा नहीं कर पाए थे उन लोगों को तो उस दिन लाभ पंचम के दिन विशेष रूप से करना चाहिए और लोग करते भी हैं श्रद्धा विश्वास के साथ में। तो पूजा क्या करनी है, पूजा वही करनी है जो हम दीपावली के दिन पूजा किया था। ठीक है, उससे कुछ सामग्री कम कुछ ज्यादा जैसी स्थिति हो वैसा कर लेना चाहिए, करना आवश्यक है। तो पूजा किसकी करनी है, श्री गणेश जी महाराज जी की, माता महालक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, कुबेर जी की और बजरंग बली की भी कर ले तो बहुत ही उत्तम है। साथ में चित्रगुप्त वगैरह का भी जो पेन है, पुस्तक है, बही खाता है, ये तिजोरी है, दरवाजे हैं दोनों, ताला है, लॉकर है, अपना जो टेबल है, इन सब का जो है विशेष जो स्थान है और तिजोरी है उन सब का विशेष रूप से पूजा करना है। पूजा में क्या है, जल चढ़ाना है, स्वास्तिक बनाना है, चंदन चावल हल्दी कुमकुम रोली लगाना है और उसके बाद में फूल अर्पण करना है, धूप दीप करना है, थोड़ा थोड़ा भोग हर जगह रख देना है, प्रार्थना करना है। आचार्य पुरोहित अगर आपके पहले आए हों तो फिर कोई बात नहीं है, बुलाए तो उत्तम है। अगर पहले नहीं बुलाया था तो अभी बुला सकते हैं, नहीं स्वयं जो है ऐसा इस स्थिति में संक्षेप में पूजा करके इस मुहूर्त के अंदर में, मुहूर्त बोले तो 7 से 9:30 बजे के अंदर अथवा 10:30 बजे के अंदर पूजा प्रारंभ कर दीजिए, अथवा इसके बाद में अगर करना है तो 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। कई लोग क्वेश्चन करेंगे, गुरु जी 10:30 बजे के अंदर पंचमी तिथि जय जय श्याराम हो जाएगी, षष्ठी लग जाएगी, तो मेरे भाई बंधु उदया में तिथि प्राप्त हो चुकी है इसलिए कहीं कोई दोष नहीं है। आप उसी प्रकार से 12 से 12:40 के अंदर में पूजा कर सकते हैं, तो इसका पूरा आनंद लीजिए, लाभ लीजिए और मेरे साथ में क्या, मेरे पूरे परिवार, पूरे स्पेशली हिंदू रिचुअल्स परिवार की तरफ से सभी गुजराती बंधु ही नहीं समस्त देशवासियों को जो है उसी प्रकार से, जैसे घर में 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, किसी का जन्मदिन होता है लगता है भैया हमारा ही जन्मदिन है, चाहे बेटे का हो, चाहे चाचा का हो, चाहे ताऊ का, हमारे परिवार का, ऐसे चाहे मराठी का गुड़ी पाड़वा का नववर्ष हो, ये उत्तर भारत में भी होता है, अथवा जो है गुजराती बंधुओं का दीपावली का नववर्ष हो, अथवा दूसरे भाई बंधु जो मानते हैं उनका हो, वो सब अपना ही लगता है। तो पुनः सभी देशवासियों को, पूरे विश्व में बसे हुए गुजराती बंधुओं को गुजराती नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाभ पंचम आपके लिए हर प्रकार से
माता महालक्ष्मी जी की कृपा से लाभदायी हो। वीडियो ठीक लगे तो आपस में शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे शास्त्री जी बार बार बोलते हैं, मुझे कहने में थोड़ा संकोच लगता है, लेकिन इतने स्लो गति से गाड़ी से जा रही है तो मुझे लगता है कई बार अवश्य कहना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। जय श्री राम।